हेलो फ्रेंड्स, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आपकी कक्षा पे। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड सरकार ने जो वैकेंसी जारी की है झारखंड उत्पाद सिपाही का, तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होने वाला है और उसका सिलेबस क्या रहने वाला है उसके बारे में। पिछले क्लास में आपको नोटिफिकेशन का जितना भी जानकारी था वो हम आपको दे दिए थे, ठीक है, और एग्ज़ाम पैटर्न भी बताए थे, पर आज हम लोग और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि झारखंड के उत्पाद सिपाही का जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, उसका सिलेबस कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 583 पद पर वैकेंसी निकाला गया है और ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होगा इसका वो होगा मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक। और ये भारत के किसी भी शैक्षणिक संस्थान से आप लोग मैट्रिक पास अगर किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो झारखंड उत्पाद सिपाही का जो वैकेंसी है वो 583 पद पर निकाला गया है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास है, ठीक है। बस इसके बाद हम लोग देखते हैं परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा। तो परीक्षा का स्वरूप तीन चरण में ये कंप्लीट होगा, ठीक है। पहला जो होगा वो होगा शारीरिक दक्षता परीक्षण। क्या होगा? शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी कि फिजिकल पहले हो जाएगा और फिजिकल में हम लोगों को ऊंचाई, सीना, चेस्ट का माप देना होगा और हाइट और दौड़, ठीक है। और उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण में पास हो जाने के बाद जो है सेकेंड नंबर पर लिखित परीक्षा ली जाएगी, लिखित परीक्षा ली जाएगी, रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और इसमें से अगर हम पास कर जाते हैं तो उसके बाद हमारा थर्ड नंबर में है चिकित्सीय जांच होगा, ठीक है। मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षण में पहले दौड़ पहले है हमारा, ठीक है, दौड़ और फिजिकल पहले है। उसके बाद उसमें अगर पास कर जाते हैं तो उसके बाद लिखित परीक्षा होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, और रिटन एग्जामिनेशन में भी अगर हम पास कर जाते हैं तो उसके बाद हमारा चिकित्सीय जाँच होगा, ठीक है, जिसमें से अलग अलग प्रकार का जाँच के बारे में आपको बताए थे पिछले क्लास में, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षण जो है इसमें से हाइट क्या चाहिए और चेस्ट मेजरमेंट क्या चाहिए और दौड़ कितना किलोमीटर का है कितने मिनट में वो देख लेते हैं। कहते हैं इसमें से हाइट का मेज़रमेंट लिया जाएगा, इसके बाद सीना का मेज़रमेंट लिया जाएगा, मतलब हाइट का मेज़रमेंट लिया जाएगा, चेस्ट का मेज़रमेंट लिया जाएगा, और वो पुरुष और महिला के लिए अलग अलग मेज़रमेंट आपका फिक्स किया गया है, और अनरिजर्व्ड में जो आते हैं उनके लिए अलग और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग फिक्स किया गया है, ठीक है। और इसके बाद जब हाइट और चेस्ट हो जाएगा इसके बाद दौड़ कराया जाएगा, ठीक है। इसमें से देखते हैं पुरुष और महिला के लिए क्या डिफरेंसेस हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो हाइट जो है पुरुष के लिए 160 चाहिए अनरिजर्व्ड के लिए और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, ठीक है, और महिला के लिए चाहिए 148 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। और ये जो आपका अनुसूचित जनजाति और जाति है उनके लिए 155 सेंटीमीटर में, ठीक है, याद रखिएगा सेंटीमीटर में 155 हाइट चाहिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को, और अनरिजर्व्ड और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। और सीना जो है पुरुष के लिए कितना चाहिए, 81 सेंटीमीटर चाहिए अनरिजर्व्ड के लिए या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर या फिर पिछड़ा वर्ग के लिए 81 चाहिए, ठीक है, सेंटीमीटर। परंतु जो आपका अनुसूचित जाति और जनजाति है उनके लिए 79 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रहेगा 81 चाहिए आपका अनरिजर्व्ड के लिए और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए, और 79 चाहिए आपका अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, ठीक है। और महिला का चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा, ठीक है, महिला का चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा, ठीक है, इनको सिर्फ हाइट का मेज़रमेंट देना होगा, इसके बाद इनका दौड़ होगा, ठीक है। फिर दौड़ में जब आ जाते हैं हाइट और चेस्ट के बाद, तो दौड़ जो है पुरुष के लिए 10 किलोमीटर का दौड़ है 60 मिनट में, 60 मिनट में 10 किलोमीटर का दौड़ है, ठीक है, और महिला के लिए 5 किलोमीटर का है 40 मिनट में, महिला के लिए 5 किलोमीटर है 40 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है पुरुष के लिए, यहाँ पे देख लिए सारा मेज़रमेंट हम लोग, हाइट देख लिए, चेस्ट देख लिए और दौड़, और महिला के लिए महिला का सिर्फ हाइट और दौड़ होगा, चेस्ट इनका नहीं होगा, ठीक है, चेस्ट का मेजरमेंट नहीं लिया जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद लिखित परीक्षा होगा और उसके बाद चिकित्सीय जांच होगा, ठीक है। तो फिर जो हमारा लिखित परीक्षा है वो कैसा होगा, वो क्योंकि मेन है उसके लिए पढ़ना पड़ेगा हमें, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जो रिटन एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, तो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस देखते हैं, ठीक है, सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये जो है ये एग्जामिनेशन आपका OMR बेस्ड होगा, OMR शीट पे आपका ये एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है, CBT मोड में नहीं हो रहा है, OMR बेस्ड है, ठीक है।
तो इसमें से तीन पेपर होगा आपका, पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री, और हर एक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। हर एक पेपर के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। पहला जो पेपर है वो होगा भाषा ज्ञान का, और इसमें से कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये जो है आपका पहला पेपर भाषा ज्ञान का, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें से 30% मार्क्स लाना है, जिसके बाद आप जो आपका जो नेक्स्ट कॉपी है वो आपका चेक होगा, ठीक है। तो फिर पेपर टू आपका हो जाएगा क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान का, क्षेत्रीय या फिर जनजातीय भाषा ज्ञान का, जो भी आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे उसका होगा पेपर, ठीक है। और इसमें से कुल 100 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे का समय आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसके बाद तीसरा पेपर होगा, अगर इसमें से आप लोग मिनिमम 30% लाते हैं तो ही आपका ये वाला पेपर चेक होगा, ठीक है। और साथ ही आपको याद रखना है कि इसका और इसका जो है वो मेरिट में जुटेगा, इसका आपका मेरिट में नहीं जुटने वाला है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। पेपर टू और पेपर थ्री ही आपका जो मेरिट में है वो जुटेगा, ठीक है। और पेपर टू जो है उसमें से अगर आप 30% लाइएगा तो ही आपका पेपर थ्री चेक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। 30% मिनिमम लाना ही है, ठीक है। इसके बाद आप जितना लाइएगा वो आपका मेरिट में जुटेगा, और वो भी जुटेगा, ठीक है। तो फिर ये हो गया, और इसमें से पेपर थ्री जो है ये होगा सामान्य ज्ञान का, और इसमें से भी 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। पेपर वन और पेपर थर्ड में 120 क्वेश्चन है, पेपर टू में 100 क्वेश्चन हैं, याद रहेगा इतना। और हर एक के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा, और सारा एग्ज़ाम आपको OMR बेस्ड होगा, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग देखते हैं पेपर वन भाषा ज्ञान, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो इसमें से आपका 2 पेपर होगा, एक होगा हिंदी का और एक होगा अंग्रेज़ी का, ठीक है। एक होगा हिंदी का पेपर और एक इंग्लिश का। तो हिंदी का जो पेपर होगा उसमें से आपका टोटल 80 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 80 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। और अंग्रेजी का जो पेपर होगा इसमें से आपका टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, एक नंबर में 20 क्वेश्चन लिखे हैं, 2 नंबर में 60 लिखे हैं, और इसमें एक नंबर में 20 क्वेश्चन और एक 2 नंबर में 20 क्वेश्चन लिखे हैं। ऐसा क्यों लिखे हैं आपको पता चलेगा, पर इन दोनों को मिला करके आपको 30% लाना है, ठीक है। ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। क्यों ईजी है अभी आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये जो 20 क्वेश्चन और ये जो 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हैं ये है अनसीन पैसेज का, अनसीन पैसेज जो आप लोग शायद एग्ज़ाम 10 का जो एग्ज़ाम दिए हैं उसमें से पहला क्वेश्चन अनसीन पैसेज से ही आता है, जहाँ तक हमको याद है जब हम दिए थे तो, ठीक है। अनसीन पैसेज का क्वेश्चन रहेगा आपका पेपर, हिंदी का पेपर में भी और अंग्रेजी का में, और इसमें से 20-20 क्वेश्चन दोनों से आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो पेपर होगा वो 60, मतलब एक ही पेपर में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, दूसरा अलग से पेपर नहीं होने वाला है। इसमें से एक ही पेपर होगा जिसमें से 20 क्वेश्चन जो होंगे वो अनसीन पैसेज से होंगे, और 60 क्वेश्चन जो होंगे वो व्याकरण से होंगे, हिंदी व्याकरण से। और इसमें से अंग्रेजी में 20 क्वेश्चन अनसीन पैसेज के होंगे जो इंग्लिश में होगा, और 20 क्वेश्चन ग्रामर का होगा, अंग्रेजी ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का पेपर होगा, ठीक है। और इनको मिला करके 30% लाना है, तो इसको बिना पढ़े भी कोई भी आसानी से ला सकता है जो 10 पास किया है, है ना। और 10 पास का ही है ये एग्जामिनेशन, और 10 पास किए हुए व्यक्ति को इतना तो आना चाहिए कि वो इजीली हिंदी और इंग्लिश में 30% ले आएगा बिना पढ़े भी, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारा टोटल क्लियर है। आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि इतना जो क्वेश्चंस है आपका 120 क्वेश्चंस है, ठीक है, तो इसमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको अगर आपका सही होता है तो आपका +3 मिलेगा, ठीक है। 3 नंबर मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन सही होने पर, परंतु एक क्वेश्चन आपका गलत अगर होता है तो आपका 1 नंबर कटेगा, ये आप याद रखिएगा। 3 क्वेश्चन सही हो, सॉरी, 1 क्वेश्चन सही होने पे आपको 3 नंबर मिलते हैं, और 1 क्वेश्चन गलत होने पे आपको 1 नंबर कट जाते हैं। मतलब अगर आपका 3 और 1 4, अगर मतलब 4 क्वेश्चन आप लोग मारते हैं और उसमें से 3 गलत होता है 1 सही होता है तो नंबर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पेपर टू। पेपर टू में हम बताएं आपको कि क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ज्ञान का पेपर होगा, और इसमें से कुल 100 प्रश्न होंगे, समय वही 2 घंटा का है, और मार्किंग ऐसे किया जाएगा +3 -1, ठीक है, +3 -1 ऐसे ही मार्किंग किया जाएगा, ठीक है। तो पेपर टू जो है हमारा, इसमें से अलग अलग हिंदी के या फिर खोटा, कुरमाली हो, खड़िया, मतलब अलग अलग तरह के लैंग्वेज पेपर है, ठीक है। और इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, आपका जो भी क्षेत्रीय भाषा है जिसका आपको अच्छे से ज्ञान है आप उसको चूज़ कीजिए, जिसमें से आपको आसानी होगी एग्ज़ाम देने में। और एक तरीका है इसको चूज़ करने का, आप लोग इसका सिलेबस पहले देख लीजिएगा किसका सिलेबस ईजी है,
ठीक है, मतलब आपको अगर दो तीन लैंग्वेजेस आ रहे हैं अच्छे से, तो आप लोग पहले देख लीजिएगा कि किसका सिलेबस ईजी है और उसको आप लोग चूज़ कीजिएगा। जैसे कि हिंदी, हिंदी का सिलेबस में क्या है, तो हिंदी का सिलेबस में है, नेक्स्ट क्लास में वो बताएंगे कि हिंदी का सिलेबस में क्या है, और जब आप देखिएगा तो आपको बहुत ही ईजी लगने वाला है, क्योंकि वो आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हिंदी, खौठा, कुरमाली, हो, खड़िया, पंचपरगनिया, संथाली, संस्कृत, नागपुरी, मुंडारी, कुड़ुख, उड़िया, इंग्लिश, उर्दू और बंगाली, इन 15 लैंग्वेजेस में आप लोग कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं और उसमें अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसमें से कोई भी लैंग्वेज पेपर को चूज़ करके उस पेपर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और भाषा ज्ञान का वो होगा आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, और मार्किंग +3 -1, ठीक है, मतलब एक सही होता है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे और एक गलत होता है तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। यहाँ तक हमारा क्लियर है? तो आप लोग इसमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। आपको सबसे इजी हम अगर कहें तो हिंदी का ही हमको लग रहा है, ठीक है, और इंग्लिश का देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो 15 लैंग्वेज हैं, ठीक है, इसमें से अगर आप लोग जो भी चूज़ करना चाह रहे हैं, जिसका सिलेबस देखना चाह रहे हैं, वो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, उसका हम सिलेबस आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, और वो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद उस सिलेबस की पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा, उस सब्जेक्ट की पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, खौठा हो, संस्कृत हो, आपको जो लेना है, उर्दू है, खड़िया है, हो है, कुरमाली है, नागपुरी है, जो लेना है उसके बारे में। ठीक है, तो आप लोग पहले सिलेबस जो है वो देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसका डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सा लेना है। आप लोग फॉर्म भरते समय ये चूज़ कर सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सा पेपर लेना है। ठीक है, आप लोग पहले सिलेबस देख लीजिएगा तो ही फॉर्म में चूज़ कीजिएगा, तो अच्छा रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हमारा थर्ड पेपर, जो होगा वो होगा सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान नाम के लिए है, इसमें से कुछ भी सामान्य नहीं है, क्योंकि इसमें से पूरी दुनिया समाहित है एक तरह से। कैसे? क्योंकि पेपर थर्ड जो है उसमें से हमें पहले तो सामान्य अध्ययन पढ़ना है, समान अध्ययन, जो कि भारत और झारखंड दोनों से रिलेटेड इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और भारत का इतिहास, राज्य व्यवस्था, आर्थिक स्थिति और बहुत सारे, मतलब हर एक चीज़ डाल दिया गया है। ठीक है, आप लोग सिलेबस को अगर ध्यान से देखिएगा तो देखने को मिलेगा इसमें सब चीज़ डाल दिया गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि छोड़ा गया है, इसीलिए इसका हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, और समान अध्ययन में आपको बहुत चीज़ पढ़ने के लिए मिलेगा। आपको इसमें से 40 क्वेश्चंस तो आ रहे हैं, लेकिन आपका जो झारखंड जीके है जिसमें से आपका 50 क्वेश्चन आ रहा है, उससे ये हार्ड होने वाला है, टफ होने वाला है। तो आप लोग इसके चक्कर में ज़्यादा मतलब नहीं पढ़िएगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, परंतु ये जो झारखंड जीके है इस पर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये झारखंड जीके है, 50 क्वेश्चन। दूसरा, तीसरा है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन आएंगे, और 20 क्वेश्चन जो है ये आपका आपका 10 लेवल तक का ही आएगा। ठीक है, मतलब आप 9-10 में जो पढ़ें उसी से रिलेटेड आएगा, तो आप लोग अच्छे से 9-10 का बुक पढ़ लीजिएगा, 8 का भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान में आप लोग 9-10 का बुक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और थोड़ा जो दैनिक जीवन में कार्य आता है सामान्य विज्ञान, उसके बारे में ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान ये हो गया। इसके बाद है सामान्य गणित जो है, इससे 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन जो है वो अर्थमेटिक से होगा, आपका जो अंक गणित है उससे होगा। ठीक है, तो आप लोग कोई भी पतला सा बुक ले सकते हैं अंक गणित का, और उसको बना सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन है, पर कभी कभी होता है कि 10 क्वेश्चन ही आपका मेरिट बना देता है या बिगाड़ देता है, तो छोड़ना नहीं है, इसको भी कर ही लेना है सामान्य गणित। ठीक है, ऐसे आपका बहुत अच्छा गणित होना ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल भी है तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, सामान्य गणित। इसके बाद है झारखंड जीके। तो इसमें से हम झारखंड जीके का जो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बता रहे हैं कि इससे क्या क्या आएगा। तो इसमें से भूगोल आएगा, झारखंड का भूगोल, झारखंड का इतिहास आएगा, झारखंड की सभ्यता, झारखंड की संस्कृति, झारखंड का भाषा साहित्य, ठीक है, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, और राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड की भूमिका, इसके बारे में। इसका एक अच्छा बात यह है कि अगर आप लोग राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं तो आप लोग झारखंड और भारत का जो है दोनों का आपका बहुत चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड डेट्स मिल जाएंगे, ये अच्छी बात होगी आपके लिए। तो राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का जो महत्व है या भूमिका है उसके बारे में, ठीक है। इसके बाद विकास योजनाओं के बारे में, और उसके बाद खेल खिलाड़ी के बारे में जानना है। तो खेल खिलाड़ी तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये इजीली बढ़ा देंगे। ठीक है,
और इसमें से आपका जो इतिहास है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कितना तक कंप्लीट है? आपका 1857 के विद्रोह से पहले तक का जो है वो आपका हिस्ट्री कंप्लीट है यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग अभी वो देख सकते हैं। इसके बाद आपका कंटिन्यू रहेगा और हिस्ट्री जो है वो हम लोग जल्द ही कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद भूगोल पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक है। उद्योग वगैरह जितना है सब हम लोग अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद खेल खिलाड़ी जो है ये भी अच्छे से करेंगे। और ये जो स्थान है, स्थान में से आपका जो राज्य का किला है, झारखंड राज्य में जितने भी किले हैं, राजप्रसाद है, उसके बारे में भी आएगा, मंदिर के बारे में आएगा और प्रमुख स्थान के बारे में आएगा। तो इसमें से हम लोग किले और राजप्रसाद के बारे में भी आपको पढ़ा चुके हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और विविध का सेक्शन है जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी आप लोग फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो विविध का सेक्शन भी हम आपको बहुत टॉपिक उसमें पढ़ा चुके हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, ये सब चीज़ें याद रखनी होती है, ठीक है। और सामान्य अध्ययन जो है इसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप लोग लूसेंट का बुक पढ़ लीजिएगा, ठीक है, सामान्य अध्ययन के लिए। और करंट अफेयर्स पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, करंट अफेयर्स पे, ठीक है। और आपका इसमें से कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो 4-5 नंबर तो आपके फिक्स हो जाते हैं, मतलब 4-5 क्वेश्चन फिक्स हो जाते हैं। नंबर तो आपका 5 क्वेश्चन का 5×3 15 नंबर आएगा, ठीक है। तो फिर इसमें से सामान्य अध्ययन में से आप लोग जैसे कि मुद्रा के बारे में पढ़ सकते हैं, मुद्रा पढ़ सकते हैं, राज्य राजधानी पढ़ सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है, मैट्रिक लेवल का है, ज़्यादा हार्ड पूछेगा नहीं। और स्टेडियम्स के बारे में पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सा स्टेडियम कहाँ पे है, और भारत के प्रमुख स्थल जो होते हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं, ना। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे क्वेश्चन ईजिली आ जाते हैं और वो टॉपिक भी उतना बड़ा नहीं होता है। जैसे कि अगर आप इसमें से सामान्य अध्ययन में अगर आप भारत का इतिहास पढ़ने जाएंगे तो इतिहास से कितना क्वेश्चन आएगा, 2-3 क्वेश्चन आएगा, पर आप समझ सकते हैं इतिहास कितना वास्ट है, उसका सिलेबस कितना वास्ट है। आपको पहले एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना होगा, फिर मेडिवल पढ़ना होगा, फिर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना होगा, ठीक है, मतलब प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिलेबस हो जाएगा। परंतु इसमें से कुछ टॉपिक होते हैं जिनको आप अगर पढ़ लेते हैं तो कुछ मार्क्स आपके फिक्स हो जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को हम आपको क्लियर करा देंगे। तो उसके भी वीडियोस आएंगे जल्द ही, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें से आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, कभी कभी क्विज़ भी हो जाता है और कभी कभी नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। आपकी कक्षा ही है नाम, और आपका आज का जो वीडियो है इसके बाद आप लोग इसका जो भी सिलेबस आपको चाहिए उसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका हम सिलेबस आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और सामान्य अध्ययन का जो भी टॉपिक होगा जिससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, उसके बारे में हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। टॉपिक चुन चुन के पूरा सामान्य अध्ययन पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, वो झूठ हो जाएगा, ठीक है। तो फिर सामान्य अध्ययन पूरा तो नहीं, परंतु कुछ टॉपिक्स होते हैं जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसमें से सामान्य अध्ययन में आपका 7-8 क्वेश्चन तो आपका झारखंड से आ जा रहा है, मतलब यहाँ आपका झारखंड जीके से तो 50 क्वेश्चन आ ही रहा है, और सामान्य अध्ययन से भी आपका 5-7 क्वेश्चन आ जाएगा, 10 भी आ सकता है, कोई ठीक नहीं है कितना आ सकता है, ठीक है। तो इससे भी आपका लगभग 10 क्वेश्चन झारखंड का होगा, ठीक है, झारखंड का 10 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो मतलब मान के चलिए कि झारखंड जीके का टोटल 50-60 लगभग क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, समान अध्ययन से आपका 30 ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि ये इसमें समान अध्ययन में भी देखिएगा आप लोग झारखंड का भी जिक्र किया गया है और उससे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, समान अध्ययन का जो आपका टॉपिक होगा उसमें से, ठीक है। तो ये आप लोग झारखंड जीके जो है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो झारखंड जीके के लिए आप हमारे चैनल को तो फॉलो कर ही सकते हैं, साथ ही आप बुक भी खरीद सकते हैं, ठीक है। बुक मार्केट में बहुत अलग अलग प्रकार के बुक उपलब्ध हैं और वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। बुक पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वीडियो से आप कितना भी पढ़िएगा पर जो बुक आपको प्रोवाइड करेगा वो कोई वीडियो आपको नहीं दे सकता है, समझा सकता है, पर आप जब रिविज़न के लिए चाहिएगा तो आपको बुक अच्छा रहेगा। और खुद से नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा, अच्छा रहेगा। और आपका ये जो भी आपको चाहिए इसका सिलेबस आप लोग मैसेज कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।